नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको 20 MCQ कराएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह नेशनल पार्क का पहला पार्ट है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आओ आज के मोटिवेशनल क्यूट्स की ओर चलते हैं। आज का मोटिवेशनल क्यूट्स है, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। और दोस्तों आज के सेशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वन, ऑप्शन नंबर डी नेशनल पार्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर दो, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी गांधीनगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव, यह हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी पेरियार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरियार, जो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए मान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में स्थित है, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गिर सेरियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी केवलादेव घाना साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा एक सीन वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी दाचीगांव हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाचीगांव हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सात, दाचीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर आठ, संकटापन रीडले कछुए का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? ऑप्शन ए गायर माथा में, ऑप्शन बी सागर माथा में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप के द्वीपों में, ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका आंसर हो जाएगा गायर माथा में। क्वेश्चन नंबर नौ, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, राजस्थान में सरिस्का पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर दस, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, किबुल लामजाओ उद्यान मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गैंडों के लिए, ऑप्शन बी बाघों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी गौर के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा उद्यान जो असम में स्थित है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में है बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, बी में है बुक्सा टाइगर रिजर्व, सी में है माउंट आबू वाइल्ड सेंचुरी और डी में है पेंच नेशनल पार्क, और इसके सूची दो में है राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक। इसका हो जाएगा बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में स्थित है, पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन नंबर 14, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेरों के लिए, बी चित्तीदार हिरणों के लिए, सी बाघों के लिए, डी जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, सी राजस्थान, डी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अलवर राजस्थान, ऑप्शन बी भरतपुर राजस्थान, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर राजस्थान, ऑप्शन डी चिंगलपेट तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, मानस पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम में मानस पशु अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अभयारण्य रायनों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी कार्बेट। इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नहीं है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें। कल आपको अगला पार्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा।